राष्ट्रीय हित का गला घोंट कर छेद न करना थाली में, राष्ट्रीय हित का गला घोंट कर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। ये महज एक कविता नहीं बल्कि उन तमाम परिवारों की एक अपील है जिनका पूरा परिवार इन्हीं दियों की बिक्री के सहारे चलता है। दियों की बिक्री के लिए इन परिवारों का एक एक सदस्य दीपावली के त्योहार का साल भर इंतजार करता है। दियों के निर्माण के इस पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों परिवार दियों को लेकर हर साल बाजारों में पहुंचते हैं। दियों के कारोबार से जुड़े व्यापारी बताते हैं कि वो हर साल हजारों दिए लेकर शहरों में दुकानें लगाते हैं, लेकिन हर साल उनका कारोबार घटता जा रहा है। उन्होंने इसके लिए चाइनीज माला तथा बिजली के प्लास्टिक दियों को कारण बताया। कहा कि यही हाल रहा तो उन्हें दिवाली में दिए बेचने के इस कारोबार को बंद करना पड़ सकता है, जिससे इन सैकड़ों परिवारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट गहरा सकता है। कहाँ से आए हो और ये जो आप काम करते हो ये कब से करते हैं? हम जिला बरेली से आते हैं और हमको ये 20 साल हो गए काम यहाँ बागेश्वर में आते हुए। ये हमारा पेशा है और ये मिट्टी का ही काम करते हैं। और ये दिए आप बनाते आमदनी कितनी होती है? आमदनी बिक जाता है तो आमदनी हो जाती है, बच जाता है तो नुकसान हो जाता है। अरे जैसे चैनीज उनसे क्या प्रभाव पड़ा है? वो अगर मार्केट में आता है तो हमारा माल कम बिकता है। जो है पैदाशी पैसा है और ये हम पूरी फैमिली साथ काम करते हैं इसको और इसी से पूरी फैमिली पालते हैं और कोई रोजगार नहीं है हमारा। और यहाँ 20 साल से आते हैं और जिला बरेली से आते हैं। अब ये बच भी जाता है माल और बिक भी जाता है और 2 साल से तो चौक बाजार में हमारी दुकान नहीं लग रही। वहाँ क्यों नहीं लग रही, उसका कारण क्या है? कारण क्या है, व्यापार मंडल वो हमारा माल नहीं लगने देते वहाँ पे। अच्छा। कहते हैं आपके माल से हमारे दुकानदारों पर प्रभाव पड़ता है। और जो दूसरे अभी आर्टिफिशियल दिए वगैरह आए उनसे कितना प्रभाव पड़ा आपके इस काम पे? प्रभाव क्या, जब कोई चैलेंज आ जाता है तो हमारा माल कम बिकता है, हमारा कम बिकता है, उनका ज्यादा बिकता है, कम बिकता है तो नुकसान होता है, फिर हमारा माल बच जाता है। घर में सारे यही काम करते हैं? सारे यही काम करते हैं, घर में सारे यही काम करते हैं और हम यहाँ पर बच्चों के साथ आते हैं। अच्छा। तो जैसे आप और जगह भी जाते हैं, यहीं आते हैं? ना, बागेश्वरी आते हैं, और जगह तो और लोग जाते हैं हम, लेकिन हम बागेश्वरी आते हैं। फैमिली के और जो लोग हैं वहाँ नैनीताल जाते हैं, अल्मोड़ा भी जाते हैं, रानीखेत भी आते हैं, लेकिन हम बागेश्वरी आते हैं। जितना खर्चा आपको बनाने में लगता है उतना आपको मिल जाता है? माल खप जाता है तो मिल जाता है, नहीं बच जाता है तो नहीं भी हो पाता। माल बिक जाता है पूरा तो खर्चा हमारा निकल जाता है। सीसीएन न्यूज के लिए बीना गड़िया और सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। देश में रखना नहीं बहाना नाली में, देश के धन को